किसी को आपने बोलते हुए सुना होगा या खुद बोला होगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट यार, राइट? सो आई वुड वॉन्ट यू टू रियली थिंक अबाउट इट. फॉरगिव एंड फॉरगेट बोलने से अच्छा है हम बोलें फॉरगिव एंड रीप्लेस, रीफ्रेम इन योर माइंड. जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं, इट इज़ नॉट टू प्रूव एनीबडी एल्स दैट वेदर यू हैव फॉरगिवन और नॉट. इट इज़ कम्प्लीटली योर इनर एक्सपीरियंस. इफ़ यू फील पीस विद इट, ग्रेट. बट जब हम वी आर ट्राइंग टू फॉरगेट समथिंग, हमारी एनर्जी वहीं पर फ्लो होती है, समथिंग, समवन, वट एवर. सो फॉरगेटिंग, आई वुड से देर इज़ अ बेटर वर्ड टू इट, बेटर कॉन्टेक्स्ट टू इट, एंड दैट इज़ उस पर्सन को लेके आप यहाँ कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हो इन योर माइंड. एटलीस्ट देर वुड बी समथिंग दैट यू कैन बी थैंकफुल, और बस उस पर्सन के साथ वो एक्सपीरियंस जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक वाला है वो आप अटैच कर दीजिए. उसके लिए उन्हें थैंक यू बोलिए इन योर माइंड. यू आर नॉट प्रूविंग टू एनी वन, सो यू डू नॉट गो एंड टेल दैट टू द अदर पर्सन इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू. इट्स योर लाइफ, योर चॉइस. यू डू नॉट इंटरैक्ट विद दैट पर्सन एनी मोर इफ यू डोंट वॉन्ट टू. बट फॉरगिव, लेट गो ऑफ एंड रीफ्रेम इन योर माइंड एंड देन लुक फॉरवर्ड. सो इट्स लाइक रियली रिलीजिंग द पास्ट. इफ़ यू आर ट्राइंग टू फॉरगेट, you are hooked up in the same experience, same person, same thought patterns, more or less the same thought patterns. So let it be forgive and look forward, forgive and replace. So forgive and reframe. So think about it, it's very powerful. So I just noticed someone talking about it yesterday and I felt like sharing with you all. हम ये भी बोलते कि नहीं, ये इंसान को मैं कभी नहीं माफ़ कर सकता. Well, that's now we all know that it's अपने पैर पे कुलाड़ी. So it's rather than that, it is just letting go of, learning our own lessons and giving other people their own time. Understanding that they are also evolving, they have also done what they have done based on their own past experiences. So we learn our lessons and open the right file in our own mind relating to that person and looking forward, learning from it and moving ahead with grace. Think about it. Do you agree with me? God bless.